आज हम बात करने वाले ऐसी बायनो पेलेटर एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन से आपको जो लिमिट मिलेगी 1,000 से लेके पूरे 1,00,000 रुपए यहाँ पे लिमिट आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का आपको जो टेनवर मिलेगा, ना ही आपको टेनवर 15 दिन का मिलेगा, ना ही आपको टेनवर यहाँ पे 1 मंथ का मिलेगा। तो आपने काफी सारी पेलेटर एप्लीकेशन में अप्लाई भी किया होगा, तो वहां से आपको जो टेनवर मिलता है या 15 दिन का मिलता है या आपको 30 दिन का मिलता है। जो आज मैं आपको एक पेलेटर एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन में जो आपको टेनवर मिलेगा तो पूरे 9 मंथ का आपको यहाँ पे टेनवर मिलेगा। और इसकी लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इसकी लिमिट को अदर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके यूज कर सकते हैं और आप इसको आसान EMI में कन्वर्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है, तो पूरे 5,000 रुपये की यहाँ पे लिमिट मिली है और इस लिमिट को मैं यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता, पर मैं इसकी लिमिट को यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और इसका जो मुझे EMI का टेनवर मिलेगा, तो पूरे 9 मंथ का मेरे को EMI का टेनवर मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी मोबाइल मंगवाना है या आपको यहाँ पे कोई भी स्मार्ट वॉच मंगवानी है, आपको कोई भी हेडफोन मंगवाने हैं, तो अगर चाहे उसका प्राइस वहाँ पे 1,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 3,000 हो, तो उसको आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 मंथ की EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 मंथ की EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में आप 9 मंथ की EMI में भी यहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपको उसको यूज कैसे करना है और कैसे आप इस एप्लीकेशन पे यहां पे बाय यहां पे कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं पे ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप इस पे टैप करेंगे, आपको काफी सारा इंटरफेस यहां पे निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक, ट्रेवल, होम, सेल्फ केयर, फैशन और हेल्थ। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके आप इसकी लिमिट को यहां पे यूज कर सकते हो। तो जैसे आप इसकी लिमिट को यहां पे यूज करोगे, तो पे ऑप्शन आ जाएगा EMI का। तो आप इसकी लिमिट को यहाँ पे EMI में कन्वर्ट करके आसान छोटी छोटी EMI में इसको यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने, अगर आपको यहाँ पे ट्रेवल करना है, तो आप इसकी लिमिट को ट्रेवल पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी कोई भी टिकट बुक करनी है, ट्रेवल पे जाना है, तो आप इसकी लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है, कोई भी सामान को बाय करना है, तो आप उसको आसान तरीके से यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी एप्लीकेशन है। तो यहाँ से आप यहाँ पे कोई भी स्किन का भी सामान मंगवा सकते हैं, ब्यूटी का भी सामान मंगवा सकते हैं, कुछ भी आप यहां से मंगवा सकते हैं। तो उसके बाद यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो बूट के हेडफोन दिखा रहा था, मैं इस वाले ऑप्शन पे टैप करता हूं। तो यहां पे अगर मुझे इसको बाय करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोजीपे का ऑप्शन, EMI का ऑप्शन और साथ में लिखा है एक्सियो। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, रोजीपे वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है EMI, तो आपकी EMI आपको दिखा दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्सियो, तो जो आपको एक्सियो की लिमिट मिली है, तो ये जो ये लिमिट है आपकी एक्सियो से यहाँ से कट जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक करना है। उसके बाद शॉप नाउ वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो जैसे आप शॉप नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको कोई भी सामान को यहाँ पे जो बाय करना है, तो सबसे पहले आपको उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो आपको जैसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे करना है, तो और नीचे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे को उसको साइन इन करना है। तो यहाँ पे फुल नेम, ईमेल, व्हाट्सअप नंबर, करंट एड्रेस और रिमार्क और सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो उसके बाद फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैक करना पड़ेगा। तो बैक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से लिमिट मिलती है, तो कैसे आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे वॉच दिखा रहा है, तो 3999 रुपये दिखा रहा है, मैं इस वाले वॉच पे टैप करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस वाले वॉच पे टैप करता हूँ, क्योंकि एकदम न्यू वॉच है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सारा कुछ। तो उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको क्विक बाय भी कर सकते हैं और बाय नाउ भी कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हमारे को इसकी यहाँ पे EMI की EMI बनवानी है, तो हमारे को यहाँ पे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप इसको बाय नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसको आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे और गूगल से भी आप इसकी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पर आपकी जो लिमिट है एक्सियो की, वो आपको कहाँ मिलेगी? उसके बाद यहाँ पे लिखा है पे लेटर कार्ड नेट बैंकिंग, तो आपको पे लेटर कार्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना है, पर उससे पहले आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर कूपन कोड, तो आपको यहाँ पे एक कूपन कोड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर आप उस कूपन कोड को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आपकी जो थोड़ी सी यहाँ पे पेमेंट है वहाँ पे लेस हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आपको पे लेटर वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। तो जैसे ही आपको पे लेटर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो वेट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको एरो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिमिट कैसे इनको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो उसके यहाँ पे आपको लिखना है कि इंडियन सिटीजन आप हो, तो इंडिया से बिलोंग करते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
कंपनी नेम, एड्रेस नेम, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करने के बाद फोन नंबर को सबमिट करने के बाद कंटिन्यू टू शॉपिंग वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो मुझे अभी इसकी आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको इसको यहाँ पे बाय करना है तो आप इसको सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद आपको इंडिया को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, अटैम्प्ट, तो सारा कुछ आपको ऐड करने के बाद आपको जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू शॉपिंग, तो कंटिन्यू टू शॉपिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू टू शॉपिंग वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आगे जाके आपकी ईएमआई दिखा देगा, उसके बाद साथ में आपको वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सियो बाय नाउ पे लेटर, तो जो एक्सियो की लिमिट है आपकी वहाँ से कट जाएगी और आपको यहाँ पे 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ जितने की भी आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो आप इसके लिमिट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही एक छोटा सा प्रोसेस था इसको यहाँ पे बताने का जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे अभी इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो मैं इसको बेमतलब के यहाँ पे आगे का अप्लाई करके ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाने वाला। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।